अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन दर्जे जी आसान सिंधी में भलीकार, तीसरी जमात की आसान सिंधी में खुशामदीद। सबक पहरियों, पहला सबक, बच्चों आप पहली और दूसरी जमात में पढ़कर आए सिंधी की मुकम्मल हुर्फ तहजी। इस जमात में हम सिंधी और उर्दू की हुर्फ तहजी एक साथ पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन से हरफ सिंधी में भी हैं और उर्दू में भी हैं, अगर उर्दू में हैं तो किस तरह लिखे जाते हैं। अलिफ, अलिफ बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है जिस तरह सिंधी में लिखा जाता है। बे, 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 ये हरफ उर्दू का नहीं है, सिंधी का खालिस रूप है। भे, भे, जब बे के साथ दो चश्मी हे लगती है तो भे की आवाज़ निकलती है। ते, ते, थे, थे, ते के साथ जब हे लगती है तो थे बन जाता है और सिंधी में ते के ऊपर चार नुक्ते लगाए जाते हैं। जिस तरह ते में दो नुक्ते लगते हैं इसी तरह थे में दो इजाफी नुक्ते लगते हैं। टे, ते की शेप में, ते की शक्ल में तीन से की तरह नुक्ते उल्टे लगते हैं। टे उर्दू में छोटा सा तोएं लगाकर टे बनता है। ठे, टे और हे को मिलाकर ठे का आवाज़ निकलता है। से, से, पे, पे, जीम, जीम, ये, ये, ये आवाज़ सिंधी का अपना है, ये हरूफ भी सिंधी का खालिस हरूफ है, उर्दू में नहीं है। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। ये, झे, झे, उर्दू में भी इसी तरह लिखा जाता है। न्ये, न्ये, ये हरूफ सिंधी का अपना है, उर्दू में नहीं है। एक बार फिर पढ़ते हैं। न्ये, चे, चे, छे, छे, छे के साथ जब हे लगता है तो छे का आवाज़ निकलता है। हे, है, हे हजाम और सिंधी में भी इसी तरह लिखा जाता है। खे, खे, दाल, दाल, धाल, दाल के साथ जब हे लगता है तो धाल का आवाज़ निकलता है और सिंधी में दाल के ऊपर दो नुक्ते लगाए जाते हैं ते की तरह तो धाल बनता है। डाल, डाल, ये हरफ भी सिंधी का खालिस हरफ है, ये उर्दू के अंदर नहीं है। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। डाल, 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 उर्दू के अंदर दाल के ऊपर छोटा सा तोए लगाया जाता है तो सिंधी के डाल का आवाज़ निकलता है। ढाल, दाल के नीचे दो नुक्ते ये की तरह लगाए जाते हैं तो ढाल बनता है और उर्दू में डाल के साथ दो चश्मी हे लगाई जाती है तो ढाल बनता है। जाल, उर्दू में भी इसी तरह लिखा जाता है जाल। तो बच्चों ये था हमारा अलिफ से लेकर जाल तक उर्दू सिंधी का चार्ट। आपने इसकी मश्क करनी है और इसको लिखना है।